एवरीवन, वेलकम टू नीना मैम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 7 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द चैप्टर नंबर 3, डेटा हैंडलिंग। दिस वेरी इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही मार्क स्कोरिंग चैप्टर है ये। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है इस चैप्टर को परफॉर्म करना। सबसे फर्स्ट डेटा हैंडलिंग है ना, यू हैव हर्ड अबाउट दिस। आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स आपने करी है ना, आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं और टैली मार्क्स और ये सारी चीज टर्म्स यूज करे थे, वो आपने इसी चैप्टर में किए थे। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बेसिक से बताती हूँ कि व्हाट इज दिस डेटा। डेटा हम किसे कहते हैं ना, तो डेटा इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कोई मेजरमेंट्स ऑब्जर्वेशंस, इनका कलेक्शन है जो कि हम इकट्ठा करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन के लिए हम जो नंबर्स या मेजरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, पर्टिकुलर नंबर्स जो है वो डेटा कहलाते हैं। जैसे रिसेंटली अगर हम अभी बात करें कि आप अभी न्यूज़पेपर, टेलीविजन बहुत सारी जगह देख रहे हो कि हाउ मेनी कोरोना पॉजिटिव पर्सन्स आर देयर इन पर्टिकुलर स्टेट है ना, कि महाराष्ट्र में इतने हैं, राजस्थान में इतने हैं, दिल्ली स्टेट में इतने हैं, तो ये पर्टिकुलर नंबर्स जो है वो भी क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। आपकी क्लास की अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल लें तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है ना, आपकी अटेंडेंस कितनी है, वो भी क्या कहलाता है, आपका डेटा कहलाता है। और सपोज करो कि आपकी क्लास में आपकी मैडम ने टेस्ट लिया है ना, मैथ्स का कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज किया और सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स आए, सपोज किसी के 5 मार्क्स है 10 में से, किसी के 7 है, किसी के 10 है, किसी के 8 है, किसी के 2 मार्क्स है, किसी के 1 मार्क्स है, 9 मार्क्स है, तो ये सारे नंबर्स जो हैं जो आपके आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं हर एक स्टूडेंट के, ऐसे बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स के भी मार्क्स होंगे, तो ये भी क्या कहलाता है, आपका डेटा। तो डेटा इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो डेटा या नंबर्स का कलेक्शन है, दैट इज अ डेटा। तो जैसे अगर हमने कोई टेस्ट लिया, अब आपकी क्लास में टीचर्स वगैरह टेस्ट क्यों ले, जस्ट टू फाइंड आउट कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस बेकार है, किसको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना, तो हम कुछ उसमें फाइंड आउट करते हैं कि हु इज द टॉपर इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट या कौन स्टूडेंट उसमें फेल हो गया, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो नंबर्स हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द डेटा। अब एक बार डेटा आपने ले लिया है ना, अब कलेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके, डेटा कलेक्शन के भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा दो टाइप के हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या है, प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम खुद जाकर और कलेक्ट कर रहे हैं है ना। जैसे अगर मार्क्स मुझे चाहिए तो मैं अपनी, अगर मैंने टेस्ट लिया है तो मैं अपने हर स्टूडेंट के मार्क्स अपनी अपने एक लिस्ट बनाऊंगी और उसमें लिखती जाऊंगी, या फिर आपको बोला जाए कि आपकी स्कूल में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, या फाइंड आउट करके आओ कि आपके यहाँ बना ये मैंगो के कितने ट्रीज है, नीम ट्रीज कितने, यूकेलिप्टस ट्रीज कितने, तो आप इजिली काउंट करके और फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो डेटा हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं उसे बोला जाता है प्राइमरी डेटा, एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि ऐसा डेटा जो हमने तो कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे टेलीविजन, न्यूज़पेपर या कोई रिकॉर्ड्स हैं आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, उससे हम उस डेटा को यूज करते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। तो जैसे अभी कोरोना पॉजिटिव पर्सन के एग्जाम्पल बता रही थी आपको, वो क्या है, सेकेंडरी डेटा। हम एक एक पर्सन को काउंट करने नहीं गए हैं ना कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ना, ये गवर्नमेंट ऑथराइज जो मेंबर्स हैं, कमिटीज हैं, उन्होंने हमें ये डेटा दिया है जो हमने टेलीविजन या न्यूज़पेपर से फाइंड आउट किया, तो दैट इज द सेकेंडरी डेटा जो किसी और ने कलेक्ट किया है बट हम अपने लिए उसे यूज कर रहे हैं। तो सेकेंड हैंड चीजें जैसे होती है ना, कोई और लेके आता है हम उसे वापस यूज करते हैं, जस्ट लाइक दैट दिस इज सेकेंडरी डेटा फाइंड आउट, और किसी ने और ने किया है और उसे हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, सो दिस वन इज द सेकेंडरी डेटा। नाउ कलेक्ट हो गया आपका डेटा, अब उस कलेक्टेड डेटा को हमें क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा है ना। तो ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब कि कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करें, कैसे हम दिखाएं उसको। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब भी
न्यूज़पेपर्स में आते हैं तो ग्राफ बना हुआ होता है, या हम मार्क्स की बात करें तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि स्टूडेंट के नेम्स और उसके नंबर्स, तो कोई लिस्ट की फॉर्म में हो सकता है जो कि टेबल फॉर्म में कह सकते हैं। तो बहुत सारी टेबलर आपके पास अरेंजमेंट्स होते हैं उसको भी हम बता सकते हैं। और भी अगर हम आगे देखें तो आपने सबसे छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था है ना कि आप बार ग्राफ ओके, और आगे आप और भी पढ़ोगे पाई चार्ट है ना, एट्थ क्लास में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से हम अपने डेटा को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट यू हैव टू, डेटा हमें मिल गया, कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अब इस डेटा से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ना, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए उस पूरे डेटा के अंदर से एक कोई वैल्यू हो जो उस पूरे डेटा का जो रिप्रेजेंटेटिव बने, मतलब कि उस पूरे डेटा को एक नंबर में डिफाइन कर दे, ऐसी कोई वैल्यू जो होगी वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी। तो इस चैप्टर में हम कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज पढ़ेंगे, जस्ट लाइक अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन। तो आपके अभी सेवेंथ क्लास में इन तीन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को फाइंड आउट करना बताया है, अरिथमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन। इज दैट क्लियर? तो ये सारा मैंने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया आपको कि डेटा क्या होता है, कैसे हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी फॉर्म में या सेकेंडरी फॉर्म में, फिर उसे ऑर्गेनाइज कैसे करें हम है ना, टेबल की फॉर्म में करें, ग्राफ की फॉर्म में करें या लिस्ट बनाए, और फिर उस पर्टिकुलर डेटा से जो आपने कलेक्ट किया है उससे हम कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करें, और उस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। और उस वैल्यूज को हम इन तीन तरीके से देख सकते हैं, अरिथमेटिक वैल्यू, मीन, मोड एंड मीडियन। तो सबसे फर्स्ट मैं अरिथमेटिक मीन के बारे में बताती हूँ आपको, ये क्या है। अरिथमेटिक मीन इज जस्ट एवरेज ऑफ नंबर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे, देखते होंगे, आपने बहुत बार सुना होगा एवरेज रन रेट है ना, बार बार ये वर्ड आता है एवरेज रन रेट। क्या होता है ये एवरेज है ना, वहां पे भी आप यूज करते हो कि एवरेज रन रेट, मतलब कि आपके पास पर्टिकुलर जितने भी ओवर्स है उसके अकॉर्डिंग कितना रन उसने बनाया है ना। सो अरिथमेटिक मीन के लिए मैं एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ कि सपोज कि आपकी मैम ने तीन टेस्ट ऑर्गेनाइज करे 10 मार्क्स के, और सपोज किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के फर्स्ट टेस्ट में 5 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, सेकेंड टेस्ट में उसके सपोज 7 मार्क्स आए, और थर्ड टेस्ट में सपोज उसका अच्छा नहीं हुआ 3 मार्क्स आए, तो उसके एवरेज मार्क्स कितने होंगे इस तीनों टेस्ट के मिलाकर, वो अगर हमें निकालना है तो क्या होगा कि आप इसका टोटल कीजिए, कितना हो गया हमारे पास 5 + 7 + 3 दैट इज 15, और कितने टेस्ट हुए 1, 2, 3 थ्री टेस्ट आ गया तो डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, दैट मींस 5। तो 5 मार्क्स इसके एवरेज मार्क्स कहलाएंगे, या इसका अरिथमेटिक मीन जो आएगा दैट इज द 5 मार्क्स। आगे बात सुनने, तो ऑन एन एवरेज उसके 5 मार्क्स हर टेस्ट में आए, भले उसके सेकंड टेस्ट में 7 मार्क्स आए या थर्ड टेस्ट में उसके 3 मार्क्स आए, लेकिन ओवरऑल जो रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यूज तीनों टेस्ट के अकॉर्डिंग दैट इज द 5, कि 5 मार्क्स उसके एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला देखना चाहें कि हर क्वेश्चन आप कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, सो द अरिथमेटिक मीन, या हम उसे मीन भी बोल सकते हैं, कहीं भी आपकी बुक में सिर्फ मीन लिखा होगा या एवरेज लिखा होगा या अदरवाइज अरिथमेटिक मीन लिखा होगा, सो द फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें आप सम कीजिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस कितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास थी। तो जैसे अभी हमने किया था कि हमारे पास फर्स्ट टेस्ट में 5 मार्क्स, सेकंड में 7, थर्ड में 3 मार्क्स आए थे, तो उसका हमने टोटल किया 15। और कितने टेस्ट ऑर्गेनाइज हुए थे? 3, तो डिवाइड बाय 3, तो 15/3 हमारे पास आया। ये बहुत ही सिंपल सा आपके पास ये फॉर्मूला है ना, इसे अप्लाई करोगे यू विल गेट दिस अरिथमेटिक मीन। नाउ द नेक्स्ट टर्म गिवन इन योर बुक इज रेंज। रेंज क्या होता है? किसी डेटा का रेंज कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। बहुत ही इजी सा है, सिंपली हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? कि पूरे डेटा में भले आपके पास 50 स्टूडेंट का डेटा है, भले आपके पास 3 स्टूडेंट का डेटा है, जैसे अभी हमने 3 टेस्ट का डेटा लिया था ना, तो उसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट दिस रेंज। ओके, तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल जो लिया था उसमें मेरे पास हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, 7 मार्क्स, और लोएस्ट मार्क्स कितने थे, 3 मार्क्स। 7 माइनस 3 दैट मींस 4 विल बी द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज दे रखी है, फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज, उसमें आपको सिंपल क्वेश्चंस अरिथमेटिक मीन और रेंज के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू दिस एक्सरसाइज 3.1। नाउ और एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आप अपनी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट्स के नेम लिखो, उनकी हाइट्स लिखो उसके साथ, और उसकी रेंज फाइंड आउट करो। तो ये आप खुद करोगे क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट इट्स रेंज। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ये पर्टिकुलर किसी क्लास के मार्क्स दे रखे हैं आपको ना, स्टूडेंट्स के अलग अलग स्टूडेंट के मार्क्स है ये, और इसे हमें टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। देन यू हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चंस है ना, कि आपको चार पार्ट्स दिए आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे टेबल में अरेंज करें। तो कैसे अरेंज करेंगे देखो, कि यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्क्स कितने, कौन कौन से मार्क्स आए हैं, तो देखो 1 मार्क है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 7, 6 है ना, इस तरह से देखिए तो 1 से लेकर 9 तक मार्क्स यहाँ पर गिवन है। तो हम सबसे फर्स्ट लेते हैं टेबल का फर्स्ट कॉलम जो होगा हमारा, दैट इज मार्क्स, और कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मार्क्स जो है 1 मार्क आपको दिख रहा है इसमें, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9 मार्क्स तक आपके पास यहाँ पर टेबल में शो हो रहे हैं ना, गिवन टेबल में। नाउ अब हम देखें कि 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो आप ऐसे भी देख सकते हो या फिर टेली मार्क्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डेटा भी कम है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 मार्क्स देख रहे हो तो सिर्फ 1 स्टूडेंट का 1 मार्क है, तो दिस 1 स्टूडेंट गॉट दिस 1 मार्क। 2 मार्क्स देखे अगर हम तो 1 एंड 2 स्टूडेंट है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स ओनली 1 स्टूडेंट गॉट 3 मार्क्स, so here it is 1, 4 marks check करो आप, 1, 2 and 3, 3 student got 4 marks, so write it 3 here, now 5 marks, so 1, 2, 3, 4, 4 student got this 5 marks, now 6 marks, 1, 2, 3 and 4, 4 student got this 6 marks, and 7 marks, 1 and 2 student got 7 marks, similarly 8 marks check करें हम, तो 1 student got 8 marks and 9 marks also this 1 student got this 9 marks. अब इन सबका total करो आप कि कितने students हैं, तो देखो आपके पास इसका total check करोगे आप तो यहाँ पे आपका total आ रहा है 20। ठीक है, आप ऐसे नहीं total करना चाहते तो ऐसे भी total कर सकते हो कि हमारे पास ये columns बने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ऐसे 2 हैं तो 10 plus 10 20 students हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास 20 है, और मार्क्स की जो कैटेगरी है वो है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो जो आपको मेन क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ये हो गया। नाउ फॉर दिस फर्स्ट पार्ट, कि अगर हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं तो विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट मार्क्स क्या है यहाँ पर, हमें सिंपली दिख रहा है कि 9 इज द हाईएस्ट मार्क, तो यस जस्ट यू हैव टू राइट दिस 9।
सिमिलरली फॉर द सेकंड व्हिच नंबर इज लोएस्ट. तो लोएस्ट मार्क्स क्या है? दिस वन. यहां पर मार्क्स पूछे हैं, स्टूडेंट्स नहीं पूछे उसके, ना. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है. एंड थर्ड वन, रेंज. व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? तो जब भी आपके पास रेंज, मीन, इस तरह के टर्म्स आएंगे तो आप उसका फॉर्मूला भी इसमें रिप्रेजेंट करो. तो रेंज क्या था हमारे पास? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो हमने अभी ऊपर आपको कैलकुलेट करवाया कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 9 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 1, दैट मींस 8 इज द रेंज. नाउ फोर्थ मेन पार्ट जो आपका है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, है ना. जैसा अभी मैंने बोला कि अरिथमेटिक मीन पूछा है आपको, उसका फॉर्मूला भी आपको लिखना है, क्योंकि कभी कभी हम जब सम करते हैं तो सेम हो जाती है, तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलता है. तो इट बेटर टू राइट द फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब देखो आप इन सारी ऑब्जर्वेशंस का आप सम करोगे, तो पहले आप ग्राफ में प्रॉपरली करके देखो, है ना, कि 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1, ऐसे सारे डेटा का आप प्लस करोगे, यू विल गेट 100. ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन की, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है 20. सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20. दिस कट इट आउट, यू विल गेट 5, है ना. सो एवरेज मीन मार्क्स क्या है हमारे पास? 5 मार्क्स. तो बहुत ही सिंपल और पूरी एक्सरसाइज की कोडिंग की आपको क्वेश्चन दे रखा है. आगे के क्वेश्चन में आपको सेम इसी तरह से कहीं रेंज निकालना है, कहीं मीन निकालना है, तो सेम इसी वे में आप लिखकर और उसको रिप्रेजेंट करो. ठीक है, नाउ दिस थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको चेंज करके भी दिया जा सकता है आपके एग्जाम्स में, और एमसीक्यू वगैरह में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है. क्या है थर्ड क्वेश्चन में? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होते हैं, ना. तो होल नंबर्स कौन से हैं हमारे पास? स्टार्टिंग से, ना, फर्स्ट 5. तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से. सो 0 1 2 3 एंड 4 होते हैं 5. 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट 5 होल नंबर का हमें मीन कैलकुलेट करना है. सो मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सिंपली हम यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे, और कितनी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास? 5. सो डिवाइडेड बाय 5, कितना सम हुआ देखो, 4 प्लस 1 5 एंड 3 प्लस 2 5, दैट इज 10 इज द सम, एंड डिवाइड बाय 5 यू गॉट, तो 2 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर. तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी चेंज करके पूछ सकते हैं कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन चेंज करके आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डेटा क्या होता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप खुद कर सकते हो, है ना. कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस थोड़े से अलग है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो थैंक यू.